नौ हर्रा बारह हर्रा जौन भी है सोलह हर्रा कुल जब बिरहा स्टार्ट हो जाए अब तो बहुत समय बा हमें लगे तो कुल सोचत हो कहीं बेरी मोर वहा के सभी चल जाये नहीं तो और आए वाला ना न उड़ाई एक बिरहा हम आप लोग के आप लोग वाली हो गई यहाँ तमाम और भी हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग सब लोग बैठे हुए हैं बिरहा के प्रेमी लोग बैठे हैं तब बिरहा हो जाए ओहू में आप लोग के धुन तर्ज मौज मस्ती आवा सबका स्वागत इस मंच से हुआ मैं अपनी तरफ से मैं अनीता राजभर अपनी तरफ से डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहती हूँ आदरणीय आप डॉक्टर केपी यादव जी क्या बात आप मंच पर आ जाइए मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ एकरे बाद शैली मास्टर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए डॉक्टर साहब का एक बिरहा हम आप लोग के सुनावे चल थी उधर से क्रांतिकारी बिरहा पहलवानी बिरहा बहुत बढ़िया सुने को मिलल एकदम वैसे ही सतत बिरहा चापत जाई वीर रस का बिरहा हम आप लोग के सुनावे चल थी चलो मास्टर बिरहा के अंदर लिखलन जियो लाल क्या बात बिरहा में कहानी वो समय के बतावल गई जिस समय हमारा ये हिंदुस्तान देश गुलाम था हमारी ये धरती माता गुलामी की बेड़ी में जकड़ी हुई कराह रही थी छोटे छोटे बच्चों को आसमान में लुका करके भाले के नोक पर लोक लिया करते थे भैया उस समय के बिरहा में कहानी बतावल गई भूमिका के लाइन से संकेत में कला है किसी की न जग में बकौती ए बाबू बतावल गई पंडित जवाहरलाल नेहरू अब
अब्दुल कलाम जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने लोग अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे इस हिंदुस्तान देश को हमें और आपको आजादी दिलाने का काम किए। मेरा हम एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा लगल मास्टर कैसे क्या बात है। एक मालिक का बंदा मालिक के दरबार में जाके मालिक से अरदास किया है। बा, बा, क्या बात फिलहाल यह कैलस जमाने में कहीं तस्वीर बनती है तेरे दरबार में माला बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। लेकिन कहना महा का अरे जब चमन गुलजार जन्नत जब चमन गुलजार जन्नत को सवारे जाओगे जब चमन गुलजार जन्नत को सवारे जब चमन गुलजार जन्नत को सवारे जाओगे ए बाबू इत कव्वाली के टुकड़ा रहल लेकिन मेरे देश का जवान मेरे हिंदुस्तान का जवान ताली ठोक के कहा यही अपने जंघिया पे पहलवान ताली ठोक के कहलस का कहलस ये देखिए बिरहा के बड़े ही खूबसूरत कलाकार बड़ा ही मूल्यवान पुरस्कार आदरणीय परम श्रद्धे परम पूजनीय आप हमारे गुरु तुल्य हैं। आपकी ओर से ये बहुत बहुत रुपया के आशीर्वाद इसने भरा पुष्पहार इस पुष्प की हर एक पंखुड़ियों में गुथा हुआ स्नेह प्यार दुलार आदरणीय आप परम श्रद्धे परम पूजनीय श्यामू यादव जी क्या बात। अपने जमाने के आप बड़े खूबसूरत कलाकार रहे आपको प्रणाम सब भाइयों प्रणाम स्वीकार हो लेकिन कहना भाइयों कमजोर ना हो अरे ना ही हो वर्धा भले बुढ़ा जाए लेकिन अपन हराई नहीं भुलाई भुलाई ये देखिए आप हमारे श्यामू यादव बाबूजी के स्वागत बबलू सरदार जी कर रहे हैं आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत से और इसने भरा पुष्पहार दे करके और साथ में बम बम सरदार जी भी हैं। ये जोड़ी बड़ा मशहूर बा जोड़ी बदे जोरदार एक बार आप लोग ताली बजा दे तो हो पैसा लेवा। ये देखी ये दोनों जोड़ी की ओर से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार आपके प्रणाम सब बहन के प्रणाम स्वीकार हो आशीर्वाद की चाह है लेकिन बिरहा के तरफ आप लोग दिल दिमाग लेके चलिए। हमारे देश के जवान ताली ठोक के मोसिया पे ताव दे के कहलस ए ये हिंदुस्तान के खून है हिंदुस्तान का मोछ है अजय करे मोछ है ना वो भाई चलाओ तो
ऐसे ज्यादातर लोग बिना मोच वाला हो गए हुन। ये देखिए दोनों जोड़ी की ओर से सरदार जी, आप लोगों मालिक करे आप लोगों की जोड़ी सलामत रहे, ऐसे ही हमने की बिरहा आप लोग गवाई, ऐसे ही हमने की स्वागत करत रही, आप लोग को स्वागत होत रही हमने की ओर से। 501 रुपए का पुरस्कार इसने भरा पुष्पहार, आपको प्रणाम सब भाई, प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद की चाहे, लेकिन क्या नाम है कैसे? अरे शेर से पंजा मिला ले, हा शेर से पंजा मिला ले, साले दी तो शेर से पंजा मिला ले, अरे गिदड़ों में दम नहीं, अरे शेर से पंजा मिला ले, साले गिदड़ों में दम नहीं, अरे मौत भी है का पुजारी, हाँ मौत भी है का पुजारी। कहानी जोहरी से शुरुआत हो गई, ई बिरहा लिहल कहां से गई? हरियाणा प्रांत से ई कहानी लिहल गई। कैसे मास्टर? जोहरी से आ गई। देखिए आदरणीय आप संजय सिंह जी, परसुपुर के धरती से 101 रुपया के पुरस्कार आपके प्रणाम। आई तो हरियाणा प्रांत के अंदर चंदीर सलानी कर दिया चुनौती कोई, बस बस जैसे जाना तरह ये ढोलक का छवाई इस समय 1000 हो गई है। हम फूटी ते ही के चमड़ा से मढ़ाई, तो इनका लड़का बच्चा कहाँ जाई है? कुछ दिन हमारे संभार दे, और तू लोग कहाँ जाई है? दूसर के पड़ोसी संभार है। ए बाबू ये भैया बिरहा की कहानी की आप लोग ही हमें समझ ली। देखिए जोहरी शहर पे CLY यादव हॉस्पिटल शुभम हॉस्पिटल 501 रुपए का पुरस्कार आपको प्रणाम सब भाइयों को प्रणाम स्वीकार हो आशीर्वाद की चाहे। हरियाणा प्रांत के अंदर एक बच्चन नाम का पहलवान, पहलवानी चमकल है, अपन दूध घी उखाए के पूरा देह हम बनाए के छछक बैठल हुए, कुंटलिया बोरा जाए क्या अखाड़ा में रोज दंड बैठक मारत हुन, भर दहिया पे धूर पोत के एकदम ताल देत हुन, यही जंगलिया पे ताल देत हुन, जे
जितना आजू बाजू के पहलवान हुए सब लोग बच्चन पहलवान के पहलवानी से सुन के थर्रा जाए, काप जाए। ए बाबू ए भैया, यही बीचवा में एक है गार्डन नाम को पहलवान अंग्रेज से। सारन के वैसे ही गार्डन नाम के पहलवान अंग्रेज से आ गई, आई के हरियाणा प्रांत के धरती पर सब लोगों के घुमावत हुन। पूरा हरियाणा प्रांत के धरती पर बैठाए के गली गांव नुक्कड़ चौराहा मनी कौनो बाजार घाट कुछ छूटल नहीं बा। सब लोग घुमा रहे हैं और वही में ऐलान करत हुन। ऐलान का करत हुन कि मेरे गार्डन जैसा पहलवान, मेरे गार्डन गार्डन जैसा पहलवान इस हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। हमारी गार्डन पहलवान से कोई हाथ मिलाने वाला नहीं है। आय हाय रे बाबू ये भैया, धीरे धीरे ए बतिया का चर्चा पूरे जिला जवार में फैल गई, आग के तरह फैल गई। जब आग के तरह फैलल बा ए भैया ए बाबू, ये बात का खबर बच्चन पहलवान के कान तक पहुंचल। जब बच्चन पहलवान के कान में ही खबर पहुंचल बा, उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहलन, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहलन। उस समय जाकर के बच्चन पहलवान पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कहलन, ए साहब ए सरकार, बस हमके इतना बता दी कि हमारी प्रांत में कोनो अंग्रेज का पहलवान आयल बा जौना के नाम लोग बतावत हुन गार्डन पहलवान। पूरे प्रांत में घुमाया जा रहा है और बता रहा है कि हिंदुस्तान के धरती पर कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा माई का लाल जे की अपने मतारी का दूध पियले हो का जे गार्डन पहलवान से हथवा मिला ले। भैया ये बाबू, जमने समय इतनी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू सुन ले हुन, तम तम आ गईलन क्रोध में लाल हो गईलन। कलन अरे बाप रे बाप, एगो डब्बा का दूध पिए वाला बिलायती सरवाई बोला था, इस साला आके हिंदुस्तान के धरती पर ललकार था का। हमरे हिंदुस्तान के धरती पर कोनो ऐसन के हुआ ऐसन वीर नहीं बा। उस समय बच्चन पहलवान कलन ए सरकार, हम ओ गार्डन पहलवान से लड़े खातिर तैयार है, आप बस कुश्ती का दिन रखवा दा। ए बाबू ए भैया, कुश्ती का दिन रखल गईल। बिरहा में एक लाइन गीत लगल मास्टर, कौन गीत लगल कनी से बजा के। वाह 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 दादा बाबा, आप लोग के जमाने का ही गीत लगा। जब हमारे जन्म कर्म नाम भला लोई तब कई गीत है, आजो ताजा है और आज भी जवन रस पुरन के गीत में मिल जाए वो नई का में नहीं मिली। तो तू ना रहबू तबो ताजे रही। ये बात सत्य है, कोनो लड़का के कोनो लड़की कहलस, कोनो लड़का कोनो लड़की के देख के कहलस जैसी भैया। परम श्रद्धे परम पूजनीय आप राजेंद्र यादव जी की ओर से 51 रुपया के पुरस्कार आपके प्रणाम, सब भैया के प्रणाम स्वीकार हो। तनी से भैया आवाज एकर बढ़ावा, माइक कहलो हलो, तनी से भैया आवाज बढ़ावा जी। ओहो हो महेंद्र भैया नाच के चल जइया, बिना देहले चल जइया नाच के।
आ जाइए आ जाइए पांच के और चल जाइए नाच के। उहे वाली बात में न देखा बैठल रहा विराह में जितना मजा लिया देव धुन तर्ज में शायद ना आई कि 101 रुपया का पुरस्कार नहीं चल जी मत कमर में खून लग जाए जान ली। ये देखिए सुरेश ट्रेलर ड्राइवर ट्रेलर ड्राइवर ओहो ये 101 रुपया का पुरस्कार तनी यही गीतिया के बाबू ये तो गीत के लाइन रहल लेकिन जौने समय एहर कुश्ती का दिन रखवा के घरवा पहुंचल हुन हो भैया बच्चन पहलवान। जब बच्चन पहलवान घरे पहुंचलन बहिनिया के खबर लगल बच्चन पहलवान की केवल एक ही बहन जिसका नाम बताया गया मंजू। ये देखी ई तो गलत कैला लगा था हररवा लगा के फसाई के फाड़ देले हुआ। अच्छा तो आवा इन ए आ जाइ अरे कसम धरावे बारे कसम धरावे बारे बारे पीरना तो बारे बारे पीरना तो कैसे सुनबा लमी है सियार पीरना कैसे सुनबा लमी है बाबू जोने समय मंजू बहिनिया के पता लगल कि हमार भैया वो अंग्रेज पहलवान गार्डन पहलवान से हाथ मिला के आयल हुन ओ समय वो बहिनिया भैया के हथवा में कलैया में राखी बांध के कहल से भैया हम तोहरा के खिया पिया के शेर बनौले ही शेर दिल सियार नहीं शेर दिल बनौले ही जइहा तो पपिया के गर्दन के मरोड़ के तबाया। अरे पिठिया देखा है जनी दंगल दरे ननवा पिठिया देखा है जनी दंगल दरे ननवा अरे न पता की लगी जाई मां हमार भैया शेर का जिगर हो तोरे पास हाउस यार डब्बा का दूध पिए वाला आके हिंदुस्तान के धरती के लल कर ले हा। जाया तो पपिया के वही अखाड़वा में पटक के सीनावा पे चढ़ ही जाया तबे हम जानब कि माई के दूध सफल हो गई। बहन भाई के कलाई में राखी बांध के मथवा पे तिलक लगा के आरती कथान लेके आरती उतार के भयवा के भेजले हैं कहां लड़ाई के मैदान में कुश्ती के मैदान में भेजले ही कैसे भी रहा में गीत लगल मस्त अरे सास मारे ताना मारे तनवा तनवा हरि हो मारे ना हो तनवा हरि
कुछ होने समय जगिया निगोटा चढ़ा के चलल हुन हो पूरा गर्जत के। तमाम भीड़ लगल बा, जितने हिंदुस्तान के हरियाणा प्रांत के पड़ोसी हैं सब लोग वहां जुटल हुए कुश्ती के मैदान में, और जगिया निगोटा चढ़ाए के इधर तैयारी बनाए के चलल हुन। कैसे चलल हुन? संतोष यादव जी की ओर से 151 रुपए के पुरस्कार, आपके प्रणाम, सब बहन के प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद की चाह है। और ये 101 रुपए के पुरस्कार आदरणीय बाबू जी की ओर से, आपके प्रणाम, सब बहन के प्रणाम। भाई देखा नौ हर रो वाला आ गेलन भैया, ई वो फसा के फड़ लेना ना हुआ। तू घबरा जिन इतने टाइम के कई बीघा के दिला बिहाने 8 बीघा का ना कमैला तो फिर हमसे मिला। हाई देखी 21 रुपया के पुरस्कार नौहर्रा मालिक की ओर से। अरे भैया अपना बड़ा नाम है, आ गई क्या बात है। बिरहा शैली में कमेटी में ये विजय यादव कलाकार का सम्मान करना चाहते हैं, तो आओ जब भी उससे कहना क्या पूछ क्या रहे हो यार। क्या बात है, सही से बांधा तन कस के बांधा छूटे ना। ये देखी नौहर्रा वाला हूँ मैं। पहली बार खराब तो चढ़ लूँगा। इनके तो के कैसे मालूम? हाँ बेचारा सतवा रहा है। ओ ये कंडक्टर ही करा लन संगमा में। नहीं नहीं भैया वाले तो तगे खाती वाला होगा। ये बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार सापा के साथ में स्वागत भइल, इसलिए भरा पुष्पहार आपको प्रणाम, सब भाइयों को प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद की चाहे। लेकिन विराह के कहानी के तरफ आप लोग ध्यान दे ही, मजाक मस्ती अपनी जगह है लेकिन विराह अपनी जगह। ए बाबू चौने समय लड़ाई के मैदान में, कुश्ती के मैदान में जल्हिया ने गोटा चढ़ा के बच्चन पहलवान पहुंचल होने भैया। ए बाबू रे भरी दोनों पहलवान के हथवा के मिला देहलस यार, धूर माटी पूरा एकदम पोत के फिट हो गई लन बच्चन पहलवान। ओहो अपन खूब दंड बैठक ऊपर नीचे मारा था देसी भैया, आधे सरवा बैठी पावत हो। दंड बैठक खूब ऊपर नीचे मारत बा अखाड़ा में, अब मुसुक फुलावत बा, बांह खूब फुलावत बा। इसे लवा हमार का बिगाड़े पाई, ये हमार कुछ हो ना बिगाड़े पाई। तब तक रे भरी दोनों पहलवान के हाथ के मिला देलस, गार्डन पहलवान बच्चन पहलवान के हाथ के मिला देलस। जब रे भरी दोनों पहलवान के हथवा के मिलवले, ए बाबू ए भैया, वही समय गड़गड़ाहट पूरा ताली के गूंज गई लड़ाई के कुश्ती के मैदान में। कुश्ती के मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, उठाए के चौने समय बच्चन पहलवान जमीनिया पे हुई कुश्तिया के मैदानवा में पटक ले देसी भैया, पटक के वही सीनावा पे
चढ़ के बैठ गईलन। चढ़ के बैठ के गलन का हाल है। कैसन तबीयत हो बुलाओ और कोनो के ए भैया सीटी न दे। बार बार अंगुरी आवाज छोड़ रहा हूँ। विराह शैली में भाव दिहल गई मसूर कैसे आवा। अरे अलमरा कैला या के गोरकी ता अलमरा कैला या के गोरकी ता चब चब दुल्हा खोजलो टूटल तेरे मायन जब जब दुल्हा खोजलो टूटल तोरे ऐठनवा ऐगनवा कैले आके गोरकी जबने समय अखाड़ा में फटकले हुन सिनेमा पे चढ़ के कहलन डब्बा के दूध पिए वाला इ माई के छाती के दूध पियल शरीर यहाँ हिंदुस्तान के धरती पर नहीं टिके वाला है। तोरा उड़ के हु हो तो वो के हिंदुस्तान के तेरे पास और कोई पहलवान है पर बाबुआ हो तो बुला। हाँ वो के देखी हम दीदी से बजा जाओ तो वो आ जाए। यार अब जौने समय हार जौने समय हारल बा गार्डन पहलवान हारवा हार बर्दाश्त नहीं होत। पैसा ला भोनी सरदार उदौली उर्फ उदौली रुदौली भोनू सरदार उर्फ रुदौली 101 रुपया के पुरस्कार। अब गार्डन पहलवान के दिमाग में वो सब बतिया घूमत कवन जवन की बच्चन पहलवान कहलन तेरे देश में अगर दूसरा कोई पहलवान है तो उसको भी भेज हमारे हिंदुस्तान के धरती पर। गुजर थारी बाप रे बाप ये पहलवान हमके हिंदुस्तान के धरती पर पटक देलस। अब एकर जिंदगी बहुत ज्यादा दिन तक ना रह पाई धरती पर। जौने समय अपने खेमा में पहुंचल बा गार्डन पहलवान खेमा में पहुंच गई। अब बच्चन पहलवान की कमजोरी को ढूंढने लगा पता लगाने लगा मुखबिर लोगों को भेज दिया। बच्चन पहलवान के गौवा में कुछ गौवे का मुखबिर पकड़ लेस पैसा कौड़ी देलस भेज दिया कि बस इतना बता दो कि बच्चन पहलवान की कमजोरी क्या है। मुखबिरी कर रामू ने मुखबिरी कर रामू ने बच्चन का घर बतलाया है। 10,000 रुपया इनाम लेकर रामू घर पर आया है। रामू नाम का एक आदमी जौन की बच्चन पहलवान के गांव में कर रहे उसी से हाथ मिला लिया गार्डन पहलवान हथवा मिला के कहलस ऐ रामू तो अपनी बस कीमत बता लेकिन मुझे इतना बता कि बच्चन पहलवान की कमजोरी क्या है। मैं उसकी कमजोरी को जानना चाहता हूं। उरमुआ कहलस जो उन्हें समय हथवा में नोटिया पकड़ौले है 10,000 रुपया वो अंग्रेज पकड़ौलस रमुआ के हाथ में। ओ समय रमुआ कहलस ए साहब बच्चन पहलवान का कमजोरी केवल एक ही है मात्र उसकी एक बहन जिसका नाम मंजू है। वही मंजुआ के अगर उठवा ले बा तो जवन कहबा तवन करे कि बच्चन पहलवान तैयार हो जाए। 10,000 रुपया लेकर के रामू घर पर आ गया। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत लगल गार्डन पहलवान का जितना सब दोस्त रहलन सबके भेज देलस कहा बच्चन पहलवान के गांव में। बच्चन पहलवान के गांव में भेजा लगल रोज द्वार खाचे लगलन सब। एक दिन मौका मिलल बच्चन पहलवान घरे नहीं हुन बाजार में गई हुन। बच्चन पहलवान बाजार में गई हुन बहन अकेले घरे मंजू अकेले घर पे है। मौका पाते ही बदमाश सब घर को घेर लिए घेर के मंजू बहन के उठा ले गई लन। जब मंजू के उठा ले गई लन ए भैया ए बाबू ओ समो बहन का मस्टर अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का प्यार में ही लूट लिया भर यार का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार
बाबू ए भैया जौने समय मंजू के उठौले हो समय लिया करके खेमे में बिठा दिया, खेमा में लिया के दोनों हथवा के दोनों गोड़वा के बांध दे, बांध करके सब लोग लाचार करे लगल मंजू के। आए मंजू अपने भाई को बुला और बुला करके अखाड़े में कुश्ती हारने के लिए उसको बोल, नहीं तो हम तेरे भाई को जान से मार देंगे। कैलाश फल रुदौली की धरती से ठेकेदार आपके ओर से 101 रुपया के पुरस्कार। अरे धोखा अंग्रेज के ईमान कर दिए, धोखा अंग्रेज के ईमान कर दिए, धोखी कुत्ती भारत में ऐलान कर दिए, धोखा अंग्रेज के ईमान कर दिए, धोखी कुत्ती भारत में ऐलान कर दिए। बच्चन पहलवान कुत्ती संग में न खाएगा, बच्चन पहलवान से भैया अंग्रेज सब हमके जान से मारे बदे कहले हुमन हमार जिंदगी ले ली है लेकिन हमके परवाह नहीं है। हम हंसते हंसते उनकी गोलियों का शिकार हो जाएंगे मेरे भाई, लेकिन इस हिंदुस्तान के इज्जत आबरू के जाए मत दिया, इज्जत आबरू के बचा लिया, ए हिंदुस्तान का हरियाणा प्रांत का इज्जत आबरू तोहरे हाथ में है। भिन्न देश स्टूडियो भाई शीतल जी आप मंच पर आए, बिरहा रुका इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इनका भी सम्मान भाई राजन सिंह जी करना चाहते हैं, कमेटी अध्यक्ष राजेश यादव भी साथ में करेंगे सम्मान। एक बार लगा था कि मेहरात हुआ धीरे धीरे मेहराज ने एकदम तरो ताजा रहा। ये 101 रुपया के पुरस्कार ओ लगा यही से मेहरा गेलन, मेहरारू से जबरदस्ती मांग के लेके गेलन। राजन सिंह जी ये 101 रुपया के पुरस्कार आपके प्रणाम से बहन के प्रणाम स्वीकार हो। राजेश जी स्वागत, आप हमारे स्टूडियो मालिक बिंद स्टूडियो मालिक क्या कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली से आप लोग तो नहीं से ताली बजाई, हथवा निकाले तो ठंडी ना ही लगी और क्या बात है, कहीं जरूरत ना पड़े हाथ लगाओ। ना ना लगा ला, ये सब जीवन में कावलन ते रहे के कब हो जाई। सही बात, आज हम लोग इकट्ठे हैं तो बड़ी किस्मत की बात, किस्मत की बात है, बात बिल्कुल सही बोले भैया, सही बात। हेलो हेलो हाँ, गायक धर्मेंद्र यादव जी गाजीपुर के धरती से, और आपका भी YouTube चलता है, YouTube के माध्यम से आप लोग हम लोगों को जानते हैं और ये सबसे बड़ी बात इन चैनल वालों की है। एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत, हमके जाना थे तेज बहादुर भैया जी के आप लोग जाना थे तो इन्हीं लोग का देन बा चैनल वाले लोगों का। राजेश सिंह का स्वागत कर रहे हैं शापा दे करके, और मिलीजुली सरकार है, मिलीजुली क्या बात है, देसी भैया बहुत बढ़िया से जानलन भाई। एक मिनट जी, धनी का मैडम तू बगल हो जा भाई। तेज बहादुर जी आप भी आवे, तेज बहादुर, तेज बहादुर, तेज बहादुर, तेज बहादुर आप भी आवे, क्या बात है। एकदम एकदम क्यों नहीं,
क्या बात है भाई, एक मिनट देखिए, गीत संगीत पूजा ध्यान अपनी आत्मा के लिए किया जाता है। मैं आप लोगों से बताऊं, हर भाई जो उन्होंने मोबाइल चलाओ थो ना आज बड़ा वाला ऊपर वीएस बिंद स्टूडियो हम देखिला मोबाइल हो देखिला के वीएस देखिए हमारा सौभाग्य ये आप लोगों का आशीर्वाद है। सम्मान हमारा हो इनकर हो उनकर उनसे नहीं मतलब सबका सम्मान है। ये हैं शीतल जी बिंद स्टूडियो से और बहुत आप लोग अपने मोबाइल पर देखते होंगे लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कौन है। यही है शीतल भाई जी बिंद स्टूडियो, ये हमारा सौभाग्य है इसलिए मैं बोला, इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। और अनिता जी एकदम वही छाई देखी ना हर रहा है पहले ना उसे मिलने। हाँ बोली ये देखिए राजन सिंह जी आपकी ओर से 101 रुपया के पुरस्कार आपके प्रणाम भैया आप आए। ओहो मने ये चचा का खबर ही बन गया इलहुन चाची का चचा दे है तो तोहो दे दे है नहीं। हाँ चाची की ओर से चाची की ओर से 11 रुपया के पुरस्कार आपके प्रणाम सब बहन के प्रणाम स्वीकार हो। हंसी मजाक मस्ती बहुत भइल। अब आप लोग विराह के तरफ चलिए। क्या बात है जने समय मंजू अपने भाई के बोलौले से भैया ए बाबू मंजू कहले से भैया जाने तरा तोके अखाड़ा में हारे के हुई अगर ना हरबा तो हमरे जिंदगी का कीमत हम मर के तब जाके झुकाई। ए बाबू ए भैया जूने समय इतनी बतिया बच्चन पहलवान सुनलन कहलन तू ही हमार बही नहीं तू ही हमार मतारी तू ही हमार बाप। अरे पगली तोरे से हमार जिंदगी तू ही हमके पाल पोस के इतना बड़ा कहली और तू कहतारी कि अखाड़ा में हम जाके ओ पहलवान के पटक के हम विजय घोषित हो जाई और तोर लाश यार सुतावल जाए ऐसा कैसे हो सके। ए बाबू ये भैया जूने समय इतनी बतिया सुन ले उमन बच्चन पहलवान आंख से झरझर झरझर आंसू चला था लेकिन कसम धरा करके मंजू बोली है ए भैया आंसू के पोछ लाई आंसू गिरावे को वक्त नहीं बा मुझे अपनी मौत से डर नहीं है हमके अपनी मौत से डर नहीं है हमके केवल इतना डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को ये अंग्रेज सब बदनाम कर दे। कुश्ती में जाने समय तू हार जाएगा ये भैया जानत हुआ पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान दाव पे लग जाए तो हमारे जैसन ये हिंदुस्तान देश के लिए लाखों हजारों बहन कुर्बान भाई को अपनी कसम दे करके मंजू भेज देती है अखाड़े में। इधर खबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगल बा कि मंजू को अंग्रेज सब कैद कर लिए हैं उठा लिए हैं। जब उन्हें समय खबर लगल अखाड़ा में पहुंचल हुन बच्चन पहलवान कुश्ती होवे लगल कुश्ती होवे लगल अखाड़ा में पहुंचलन कुश्ती होवे लगल रमुआ मंजू को अपने घर पे लेके गया है अपने मेहरारू से मुलाकात कर बोले कमर रमुआ उहे मुखबीर रामू जो बच्चन के गांव का था अपने ही गांव में लेके गया है उस लड़की को मंजू को ले जा करके अपने ही घर में छुपाया है लेकिन मेहरारुआ ना ही जानत है कि बच्चन पहलवान की बहन है। अपना अपना मेहरारू से कहलस ए मीरा हई देख ई जवन लोग आयल हुन हमनी के देश में उन लोग को मेहमान हिन
इनकर ख्याल करे। अब हम जाता नहीं अखाड़े में, वहां कुश्ती होवे वाली बा। अब बम गोला बारूद सब लेके बोरा में भर के 10,000 रुपया ही जेबवा में रख के लेके आई। जब 10,000 रुपया लेके आयल बा ओ समय बिरहा में चोलरिया के भाव लगल मस्त। सभा से बोनी सरदार आपकी ओर से 201 रुपया के पुरस्कार। अगर आप डॉक्टर साहब जी की ओर से जे राजेश जी के बड़े भैया जी की ओर से केपी डॉक्टर साहब जी की ओर से 101 रुपया के पुरस्कार। आपको प्रणाम सब भाइयों को प्रणाम स्वीकार हो। और पूरे कमेटी के 100-100 रुपया के पुरस्कार। एकदम सही भैया, तो लोग खाता खुल गए ठीक है, उसमें जमा करा लो। ये देखिए पूरे पार्टी के और आप हमारे बिरहा के बड़े ही सुप्रसिद्ध गायक गुरु जी की ओर से 101 रुपया के पुरस्कार। और हमार करताल बजावती नहीं, हमार बहुत बड़ा भाग्य है। आप प्रणाम, सब बहन के प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद की चाह है। ए बाबू ए भैया, जौने समय मेहरा रुआ मेरा अपना सैया से पूछे लगल, रमुआ से पूछती है ए सैया ई लड़की तू कहाँ से ले आके बोरा में कहा, और 10,000 रुपया तू कहाँ से पोला। हाँ, जे बा कटला सैया तू तो सारा दिन घूमत रहेला इधर उधर, कोनो कामो धंधा नहीं करेला, इतना पैसा बतौलन। तेज बहादुर भैया जी बताए कि उस जमाने में जौन जमाना रहे 15,000 तो 15 लाख से ऊपर ऐसे में हो गया। 45 लाख हो गया। हाँ, इस ए जमाने में इनकर बाबू गिनती कहके बतौले हूँ, उस समय 10,000 रुपया बहुत रहे। जब मीरा सवाल पे सवाल करने लगी, पूछा लगल ये सैया हमके बस इतना बता दो कि तू 10,000 रुपया कहाँ से पोला, कहीं से चोरी कैला, केहू का जेबा कटला, आखिर में तू पोला तो कहाँ से पोला। आई बोरिया में कुल का भर के लेके आयल हुआ, बम गोला बारूद बंदूक ई कुल कहाँ से तू पोला। सवाल पे सवाल करने लगती है मीरा, बोले समय सवाल पे सवाल करे लगल। बौखला गया रामू, बौखला के कहलस ए मीरा हमारे के बात सुन,
जवन लड़की के हम लिया के आये ही आज जवन अखाड़ा में पहलवान लड़े जात बा वही पहलवान का ये बहन है और इसको ही कैद करने के लिए बंदी बनाने के लिए मुझे 10,000 रुपया दिया गया है और है बम गोला बारूद अपने घर में छुपा के रखे बदे अंग्रेज सब देले हमन हमार बात सुन ये चुपके से रख दे केहू के बताए जिन गांव में पूरा कानो कान बिल्कुल खबर ना लगे बाबू ये भैया जोने से मैं बतियाऊ मेरा रुआ सुन ले मेरा सुन लस पूरी बाप रे बाप क्रोध में लाल हो गई तू इतना बड़ा गद्दार इतना बड़ा नीच होगा इतना बड़ा कमीना होगा मैं जानती तो मैं शादी से पहले ही तेरा कत्ल कर देती लेकिन तू ये मत सोच कि तू मेरा पति है मेरा सुहाग है तो मैं तुझे छोड़ दूंगी अपने ही देश का नमक खा करके अपने ही देश के साथ में गद्दारी करता है नीच कमीना निकाल ले लस रिवाल्वर वो जो बोरिया लेके गई रहल भर के रिवाल्वर उसी में से रिवाल्वर निकाल लेती है निकाल के वही सिनेमा में धाई के दाग दिलस मरलस पूरा सीना के छलनी छलनी कर देलस मार के मंजू को बचा करके अपने नैहरा में लेके गई बा मंजू के बचा के जब अपने नैहरे में लेके गई बा इधर का बात अब इधर छोड़ दिया जाई बच्चन पहलवान अखाड़ा में कुश्ती लड़त हुन दिल दिमाग बहनिया के ओर बा हमरे बहनिया का जान खतरे में है भाईल का मास्टर अरे जय जय गूंजे तो जय जय गूंजे रवि अंदर ललकार वासे रवा भारत का जय जय गूंजे रवि अंदर ललकार वासे रवा भारत का तक्कर दावत का दावत का दावत का वासे रवा बैठ के सो जाए मंजू वाली बतिया हो खबर सुनाई आके हवन राम की अवरतिया हो सिर के आगे सिर के आगे लड़ी आई का सिहरवा सिहरवा भारत का अब की मस्कम लग गई बाकी डरवा सिहरवा भारत दाव पे दाव अखाड़ा के अंदर चलत बा बच्चन पहलवान दाव पे दाव चलावत हुन लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं अगर हम पहलवान के पकड़ के पटक देते हैं अखाड़ा के अंदर इसको मैं हरा देता हूँ तो मेरी बहन को अंग्रेज सब गोली मार देंगे ए भैया ए बाबू दाव पे दाव चलत है तब तक वह मीरा आकर के गांधी नेहरू जी बैठल हुन तमाम भीड़ लगी है बैठल हुन जाके कनवा में कहलस ए साहब किसी भी तरह बच्चन पहलवान को ये खबर पहुंचा दीजिए कि उसकी बहन सुरक्षित है उसके जान को अब कोई खतरा नहीं है ए बाबू ए भैया ये बात का खबर तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चन के पास में पहुंचाए हैं जो उन्हें समय बच्चन के खबर लगल कि मेरी बहन अब सुरक्षित है सेफ है ओकरे जान के कौनो खतरा नहीं बा कैलन का अब मौका मिलल बा बिरहा में आल्हा के भाव दिहल गई हवा में ये देखिए 101 रुपए का पुरस्कार आप राजन सिंह जी की ओर से आपको प्रणाम सब भाई प्रणाम स्वीकार हो आशीर्वाद के चाह लेकिन बड़ा पुरान बाबूजी आप लोग के जमाने के आल्हा लगल
कुश्ती 40 मिनट तक चल गई, 40 मिनट तक चल गई। यार सब लोग सोच में पड़ गए, जितने स्टेडियम में बैठे हुए कुश्ती के मैदान में बैठे हुए देखे वाला लोग दर्शक लोग रहलन, सब लोग सोच गईलन कि अगली बार जब बच्चन पहलवान से कुश्ती रहे गार्डन पहलवान का, मात्र 10 मिनट में कुश्ती फरी आ गई। लेकिन अब की बार ये देखिए राजन सिंह जी की ओर से 101 रुपया के पुरस्कार। अब की बार आखिर में 40 मिनट हो गई, कुश्ती काहे खातिर नहीं फरिया था। बच्चन पहलवान के कमजोरी के तो कोई नहीं जानत बा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू आके खबर पहुंचौले हुन, जब पहुंचौलन तो भइल का मस्त। चल गई एक बाद जब खबर पौलन तो हल्की से मुस्कान बच्चन पहलवान के होठ पे आइल बा। तुरंत मात्र 5 मिनट लगल, मात्र 5 मिनट लगा है क्रोध में लाल वह जवान, काला जंग लगा लिया, काला जंग लगा के उठाए के तुरंत वही अखड़वा में यही घुटनवा पे धा के जमीनिया पे पटक दिहलस, उठा के चौचक जमीन पे पटक दिया। जमीनिया पे पटकला के बाद छतिया पे चढ़ गई और चढ़ के अगली बार के जैसन हुमुच नहीं देलस, गर्दन पकड़ा है गर्दन को पकड़ के मरोड़ देलस। उमर गई आई लोग के यह समझ में आवा था कि हंसे लागल। गार्डन पहलवान वहीं पे अंतिम विदाई कर दिया बच्चन पहलवान। अब पूरे कुश्ती के मैदान में गर्दा गर्दा मच गई, हल्ला मच गई। अरे बाप रे बाप, बच्चन पहलवान गार्डन पहलवान को मार डाला। तब तक बम गोला बारूद लेकर के गोलियों की बौछार करने लगे अंग्रेज सब। जब गोली का बौछार करे लगलन तुरंत मीरा, कौन मीरा, वही रामू की औरत, रामू की औरत मीरा, जवन घरवा में बम गोला बारूद रखल रहे पूरा बांध करके, हाथ में दोनों हाथ में रिवाल्वर लेके कुश्ती के मैदान में पहुंची है। जौने समय गोली चलावे चलल हुन सब बच्चन पहलवान के कूद पड़ी कुश्ती के मैदान में, कूद पड़ी गोला बारूद लगल चलावे, गोली निशाना बना लेलस, निशाना लगा ली, लगी मारने और उस मोबाइल का आवा बड़ी ऊंची बात हमारे कवि जी बिरहा के आखिरी भाव में लिखलन, धन्य हो हमारे देश की नारी जिसने अपने देश के इज्जत आबरू को बचाने के लिए, अपने हिंदुस्तान किसान को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। बतावल गई कैसे, अरे धन्य देश की नारी अब तो धन्य देश की नारी अब सारा है धरती, तो गई है युग युग जखनवा तोहार कीर्ति।
किसी की ओर से? अच्छा, ग्राम सभा के आप गोड़ई थे, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आपको प्रणाम। और ये 101 रुपए का पुरस्कार आप राजन सिंह जी की ओर से, आपके प्रणाम, सब बहन के प्रणाम स्वीकार हो। गांधी नेहरू बच्चन के, वह मेरा गांधी नेहरू जी के, और बच्चन पहलवान को उस अखाड़े से भगा दी। कैलाश पाल ठेकेदार जी रुदौली के धरती से 51 रुपए के पुरस्कार बा। रजिंदर यादव जी आपकी ओर से 51 रुपए के पुरस्कार बा। देखिए दिनेश पाल लालमन पिताजी पाल जी की ओर से, बाबू जी की ओर से 51 रुपए के पुरस्कार आपके प्रणाम, सभी प्रणाम स्वीकार हो। मीरा गांधी जी के और बच्चन पहलवान को अखाड़े से भगा देती है, जान बचा करके और खुद ही अखाड़े के अंदर कूद जाती है। कैसे? गांधी नेहरू बच्चन के दहली भगाई, अरे लाले अनारे कौन से गोला पर खाई। ए बाबू ए भैया, जितने अंग्रेज पापी कुश्ती के मैदान में बैठे थे सबको तो मार डाली मीरा, लेकिन एक अंग्रेज मीरा के अपनी गोली के शिकार बना ले। जब अपने गोली का निशाना बना लिया है, सीध के निशाना एकदम सीधे मीरा के खोपड़ी में जाके लगल बा। जो उन्हें समय मीरा के खोपड़ी में जाके गोली लगल, तुरंत मेरा जमीन पर धराशाही होके गिर गई। जब धराशाही होके गिर गई, ले बाबू ये भैया, यहीं से मेरे विरह की कहानी समाप्त हो भाई हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खबर लगल कि मेरा शहीद हो गई, वह वीरांगना इस धरती पर अब नहीं रही। खबर लगी है, आए हैं उसकी बॉडी को उठवा के लेके गए, दाह संस्कार किए, विरह के आखिरी भाव में लिखल गई। अरे लसिया के लेके जब आईला बखरिया, अरे भारतवासी सब पाए के खबर। मीरा की लाश को लेकर के आए, उठा करके वहां से अंतिम दाह संस्कार किए, वह वीरांगना इस धरती से चली गई, लेकिन नाम आज भी इतिहास में है, गाया जाता है। यहीं से मेरे विरह के कहानी समाप्त भई। आखिरी बंद में खानदान के परिचय बतावल गई। गुरु बिहारी गुरुपत्तू है धन्य देश की नारी।